हरी हरी हरी
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम राम राम। बोलो हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सद श्री 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 माधभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री 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 माधभक्ति वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने जगाई और माधाई उद्धार किया, ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर कोई छोटे मोटे व्यक्ति को उद्धार करते तो पता ही नहीं चलता, लेकिन इतने बड़े गुंडे नामी हैं पूरा, जिनका नाम पर नवद्वीप थर 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 कांपता था, लेकिन जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उनको कृष्ण नाम दे करके जब उन्होंने उद्धार किया और सारा नवद्वीप में प्रचार हो गया, बोले निमाई पंडित ने और नित्यानंद अवधूत ने जगाई माधाई जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने उद्धार कर दिया, उनका भी कल्याण कर दिया। बोले क्या जगाई माधाई उनका उद्धार कर दिया? बोले कैसे? बोले पहले शराब पीते थे ना, घर में आग लगा देते, मारते थे, पीटते थे। अभी जितने लोग गंगा स्नान करने जाते हैं सभी के लिए घाट बना देते हैं, सबका चरण छूते हैं, चरण धुली लेते हैं और सभी की चरण पकड़ कर रोते हैं, हम लोगों ने पहले जो अपराध किया है अपराध को माफ कर दो। और फिर क्या कहते हैं,
दिन में दो दो लाख हरि नाम करते हैं। कितना? दो लाख। सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जोर से बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दो दो लाख हरि नाम करते हैं, बड़े भक्त बन गए हैं। पूरा नवद्वीप में महाप्रभु का नाम मेरे ची कलश रखाना ताई बोले की प्रेम दीवना, भले ही तुम्हारा सर फोड़ दिया इसलिए क्या मैं प्रेम नहीं दूंगा। उन्होंने प्रेम देकर जो उधार किया पूरा है, पूरा हल्ला हो गया। अभी भी नवद्वीप में कत अद्यापि हो चिन्ह आचे चैतन्य कृपाए माधाईर घाट बोली सर्वजन गाए। बोले अभी भी नवद्वीप में वो चिन्ह है। क्या कौन सा चिन्ह है? जिसको नाम कहते माधाई घाट, जिन्होंने अपने हाथों से घाट बनाया था। हाँ उधर, इसलिए कहते एक दिन महाप्रभु कहते षोड़श अध्याय में बोले एक दिन नाचे प्रभु श्रीवासर बाड़ी घरे छिल लुकाइया श्रीवास सासुड़ी। महाप्रभु रोज रोज श्री वास पंडित के घर में अपना परिकरों को लेकर के भक्तों को लेकर के रात भर कीर्तन करते थे। किंतु कलयुग में कीर्तन नहीं, कलयुग में यही रास है। रात भर महाप्रभु कीर्तन करते थे लेकिन उसका अंदर में केवल अपना परिकरों के सिवाय और किसी को भी प्रवेश वर्जित था और कोई नहीं घुसते थे, क्योंकि उसमें क्या होता है, मूड नष्ट हो जाता है, मूड नष्ट हो जाता है इसलिए। लेकिन जो श्रीवास का जो एक सासुड़ थी है, उनके जो सास थी, बोले ये रात भर क्या करते हैं, रात भर करते हैं क्या, एक बार वैसे तो मेरे को घुसने देंगे ही नहीं, इसलिए मैं घर में छुप करके एक दिन में देखूंगी। उसने क्या किया, जिस घर में नृत्य कीर्तन करते थे महाप्रभु, वो पहले ही उसी घर में चली गई। जा करके एक जो किसको टोकरी है, एक टोकरी के अंदर में घुस गई मतलब है वो बैठ गई एक कोने में, वो टोकरी को अपना सर पर है ओढ़ करके छुप करके बैठ गई। महाप्रभु भी अपना सारे भक्तों को लेकर के नृत्य कीर्तन कर रहे थे, जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु तो सर्वांतर जान को सब जानते हैं। महाप्रभु बोले आज मन में आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति अंदर में प्रवेश किया है। श्रीवास पंडित बोले कोई तो घर में ही नहीं है, कोई तो घर में है ही नहीं। श्रीवास पंडित ने तन तन करके देखा कहाँ पर कौन है, देखा कोई है ही नहीं। महाप्रभु फिर बोले नहीं, जरूर घर में कोई है, आज आनंद क्यों नहीं आ रहा है। इतने में फिर श्रीवास पंडित ने अच्छे तरह से है, जैसे ये घर है कई खटिया है कई अलमारी है, तरह तरह का चीज है, अभी अगर कोई अंदर में घुस कर कहीं बैठ जाए थोड़ी पता चलेगा, इसलिए उन्होंने अच्छे तरह से ढूंढा कौन यहाँ पर बैठे है कौन यहाँ पर है। देखते देखते देखा एक टोकरी उल्टा पड़ा हुआ, तो उन्होंने वो टोकरी को उघाड़ करके देखा तो उसको नीचे अपना सासुड़ी अपना सास बैठी हुई। देखते ही श्रीवास पंडित को बड़ा क्रोध आया है, और श्रीवास पंडित कृष्णा वेश में थे, भक्ति के आवेश में थे, उन्होंने अपना जो सास थी ना उनको चोटी को पकड़ लिया और चोटी को पकड़ करके उन्होंने एकदम घर में निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। आपको पता होगा, देखना जब शादी हो जाती है ना, अपना मैया अच्छी नहीं लगती, सास अच्छी लगती है। अपना मैया को लेकर कभी तीर्थ नहीं जाएगा, किसको लेकर जाएगा, सास ससुर को लेकर तीर्थ घूमने जाएगा हैं, इसलिए क्योंकि पत्नी के अधीन बन जाता है, पत्नी जो बोलती है और वही करती है हैं, पत्नी हो गई सब कुछ स्वतनी हो गई, लेकिन इस सास को कितने सम्मान देते हैं हैं। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन जो जिनके प्रिय ना राम वैदे ही तेजी और कोटि बैरी समझ यद्यपि परम सनही, ये सिख्या देते हैं। कहाँ सास है, सास माँ जैसे है, सास माँ जैसे,
जिनकी चरण छुनी चाहिए, लेकिन यहाँ शिक्षा देते अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं करती हैं, भगवान की भजन में अगर उनकी रुचि नहीं, कहते तेजी और कोटि बैरी समव यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो हमारी परम स्नेह की पात्र है, लेकिन उनको करोड़ों शत्रु मान करके उसको त्याग दो, उनको साथ में कोई प्रीति नहीं रखनी चाहिए। उसी व्यक्ति को साथ में हमें प्रीति रखनी चाहिए, ममता स्नेह रखनी चाहिए, जो भगवान की भक्ति करे, भजन करे और भगवान के भजन में जो मदद करे हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते, यहाँ पर कह रहे हैं कहते श्रीवास का कृष्ण सेवा में इतने मत है, मतलब बहिर् जगत का जो चिंता स्रोत था कि पृथक, मतलब साधारण जगत में जो लोगों का जो आइडिया जो चिंता है जो सम्मान उससे अलग है। क्यों? भगवान की भक्ति करने वाले हैं, हैं? जब उन्होंने अपना सांस को उन्हें निकाल दिया, महाप्रभु कह रहे अभी मेरे को आनंद आ रहा है, अभी हमें आनंद आ रहा है। फिर महाप्रभु ने बोले चैतन्य लीला के बाद देखी वारे पारे, सही देखे जा रे प्रभु देन अधिकारे। यहाँ पर कह रहे हैं कहते भैया महाप्रभु की लीला को कौन दर्शन कर सकता है? बोले सभी दर्शन नहीं कर सकते, वही उनको दर्शन कर सकते हैं। सही देखे जा रे प्रभु देन अधिकारे हैं, इसलिए देखी बारे पारे सही देखे जा रे प्रभु देन अधिकार, लीला को वही दर्शन कर सकते हैं महाप्रभु जिनको अधिकार प्रदान करते हैं, नहीं तो सभी वो लीला दर्शन नहीं कर सकते। किंतु कली जी को मेरा हास्य देखो, शंकर स्वयं जो सत्यम शिवम सुंदरम, जो स्वयं देव देव महादेव जोगी जोगी महादेव हैं, जब कृष्ण रास कर रहे थे वृंदावन में, इतने में भगवान जो बंसुरी बजाए, शंकर भी कैलाश छोड़ करके आए और प्रभु का रास दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जोग माया के कृपा के बगैर अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जोग माया की शरण में गए तो बोले यहाँ पर तुम ब्रह्म कुंड में स्नान करो। शंकर जी ब्रह्म कुंड में स्नान किया, बड़ी सुंदर गोपी बन गए, उनको ईशान कोण में बैठा दिया, बोले यहीं से बैठ करके दर्शन करता रहना, कृष्ण सर्वांतर जा। बोले आज रास में आनंद क्यों नहीं आ रहे? कोई अनधिकारी व्यक्ति जरूर प्रवेश किया है। गोपियां बोले यहाँ पर अनधिकारी व्यक्ति को नहीं तो गोपी 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 बोले जरूर कोई है, कृष्ण सब जानते हैं। फिर गोपियों ने ढूंढा और ढूंढते ढूंढते क्या देखा, एक कुंजे में एक नई कोई गोपी बैठी हुई घूंघट ओढ़ करके। बोले इसको तो कभी कभी देखा ही नहीं। तो उन्होंने पूछा भैया कौन सा गांव में तुम्हारी जन्म हुआ है? बोले तुम्हारे ससुर का नाम क्या है, तुम्हारी सास का नाम क्या है और तुम्हारी पति का नाम क्या है? हैं? जब इसको पूछे ना शंकर तो चुप। शंकर जी चुप क्योंकि जब स्वर्ग सिद्धि के बाद में जो वस्तु सिद्धि होती है, कहते जोग माया क्या करती है, वो जीव को उसको प्रकट ब्रज में जन्म देती है। प्रकट ब्रज में जब जन्म देती है जरूर ब्रज का कोई गांव में जन्म देगी, उनका कोई सास होगा, कोई सासुरी होगी, किसी गोप के साथ में उनको शादी होगी, हैं? उसका पति होगा, क्योंकि कृष्ण को पर क्या रूप में प्रेम करना पड़ेगा तभी वो लीला में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन शंकर तो गोपी नहीं, वो गोप है। शंकर तो चुप, कुछ बोल नहीं सके, वो समझ गए यही यही है। अरे शंकर जी की चोटी पकड़ कर निकाले निकाले, गुरु जी कहते गुलचा मारने लग गए। इतने में शंकर जी चिल्ला उठे हमें बचाओ बचाओ, जोग माया को पुकार। इतने में जोग माया आ गई, जोग माया ने कहा इसको मैंने अधिकार दिया है। इतने में कहते श्री कृष्ण आ गए, बोले भोले ये क्या है, ये क्या चक्कर है, ये गोपी क्यों बने? बोले प्रभु तुम्हारी बंसी ध्वनि सुन करके मेरे अंदर में भी इच्छा हुई थी आपकी रास दर्शन करने के लिए। बोले शंकर जी आप तो ऊपर में गोपी रूप धारण कर गए हो, लेकिन अभी आप हृदय में गोपियों की भाव नहीं, मतलब गोपियों की जो भाव है कितने उन्नत चीज है, वो चीज को शिक्षा दे रहे, कितने उच्चा चीज गोपियों की प्रेम, जहाँ शंकर भी स्वयं जहाँ प्रवेश नहीं कर पाए। तब कृष्ण ने कहा देखो भोले अब ये कृष्णा अवतार में आपको ये रास में प्रवेश नहीं, लेकिन आज से आप यहाँ क्षेत्रपाल रूप में बैठो, अगर कोई वृंदावन में प्रवेश करेगा जब तक आपका आदेश नहीं लेगा वो अंदर में प्रवेश नहीं कर सकती, यहाँ दुर्वान बने। शंकर जैसे व्यक्ति जहाँ देव देव महादेव जोगी जोगी महादेव की
काम क्या कर रहे हैं? तरुहान का काम कर रहे हैं। इतने तब कृष्ण ने कहा, देखो जब मैं कलयुग में श्री सचिन नंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप में आऊंगा और श्रीवास अंगन में जब मैं वहां पर संकीर्तन रास करूंगा, वहीं पर दोनों हम गलवेनिया दे करके वहीं पर संकीर्तन हम रास करेंगे और वहीं पर श्रीवास अंगन में सबके सब हम कीर्तन करेंगे, तभी तुम आना। इसलिए कलयुग में स्वयं शंकर जी किस क्या बन करके आए, श्री अद्वैत आचार्य सदासी बन करके आए और उनको साथ में उन्होंने संकीर्तन रास में प्रवेश किया है। कलयुग में भगवान का संकीर्तन है, कलयुग में यही हम लोग नृत्य करते हैं ना, खूब नाचते कूदते हैं। रास मतलब क्या, रसानाम समोहिति रास, जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर नृत्य कीर्तन है, जहाँ पर रस है वही रास है। इसलिए कीर्तन में आनंद आता है कि नहीं, कीर्तन में खूब नाचते कूदते छलांग लगाते खूब नृत्य करते हैं। इसलिए यदि कलयुग में वही रास, इसलिए जहाँ स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए चैतन्य लीला के बाद देखी बारे पारे भगवान का लीला को कौन दर्शन कर सकता है, कहते वही दर्शन कर सकते हैं सही देखे जा रहे प्रभु तेन अधिकारी, उनको लीला को वही दर्शन कर सकता प्रभु जिसको अधिकार देते हैं। इसलिए शंकर स्वयं देव देव महादेव होकर जोगी जोगी महाजोगी होकर के प्रभु की रास में प्रवेश नहीं कर पाए है। इसलिए यहाँ पर कद और एक दिन क्या हुआ, कद और एक दिन है, एक दिन बोले चैतन्य स्वभाव भक्त आचार्य गोसाई चैतन्य दास वही आर भाव नाही है। इसलिए आज के ना, इसलिए कहते स्वभाव चैतन्य भक्त आचार्य गोसाई, कहते अभी जो हमने अद्वैत आचार्य का नाम ने श्रवण किया है, कहते इनका हर समय भावना किया है, मतलब भावना चैतन्य दास वही आर भाव नाही, हर समय अपने आप क्या समझते हैं हम श्री चैतन्य महाप्रभु का दास, क्यों सदा शिव शंकर जी है। शंकर जी कौन है, कहते वैष्णवा नाम यथा शंभु है, वैष्णवा नाम। फिर बलदेव प्रभु है, बलदेव प्रभु कौन है, कहते कृष्ण अभिन्न है, दुई भाई एक तो समान प्रकाश, केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं जगन्नाथ ही श्री बलदेव रूप में प्रकट हुए। कि किस लिए, कारण है कि बोला अपना सेवा को शिक्षा देने के लिए, केवल अपना सेवा को शिक्षा देने के लिए उन्होंने श्री बलदेव रूप में प्रकट हुए। प्रकट होकर क्या कर रहे हैं, भगवान की हर तरह से जगन्नाथ की सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। क्योंकि अभी जगन्नाथ जी को क्या पसंद है, खट्टा पसंद ना उनकी नमकीन पसंद, ना उनको मिठाई पसंद है, कौन जानते, जगन्नाथ ही जानते, जगन्नाथ ही जानते। इसलिए जगन्नाथ ही स्वयं अभिन्न रूप में श्री बलदेव रूप में प्रकाशित हुए अपना सेवा को स्वयं शिक्षा देने के लिए। अरे ये बलदेव प्रभु का प्रकाश, कहते अद्वैत आचार्य कौन है, कहते ये सदाशिव महाविष्णु है, कहते बलदेव प्रभु का ही ये प्रकाश है, है प्रकाश है। जब साक्षात बलदेव प्रभु अपने आप को सेवक मानते हैं, हम जगन्नाथ जी का ही सेवक है, पर इनका क्या बात है। इसलिए अद्वैत आचार्य जी का भाव क्या है, बोले चैतन्य दास वही आर भाव नाही, हर समय श्री हम महाप्रभु का हम दास हैं, उनका हम सेवक है। बोले एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब विष्णु की खटिया के ऊपर महाप्रभु बैठे हुए थे और महाप्रभु बैठे करके उस समय अपना ऐश्वर्य को प्रकाश किया, ऐश्वर्य को प्रकाश करते समय इन्होंने महाप्रभु ने किया, उस समय तो ऐश्वर्य प्रकाश में स्वयं कौन है, वो अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, उस समय में सर्व कारण का कारण कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना ऐश्वर्य प्रकाश करते हुए सब अलग अलग भक्तों को बुला करके जो जिसको उपासना करते हैं उनको उसी रूप में दर्शन देते हैं, कभी नरसिंह रूप में, कभी वराह रूप में, कभी मत्स्य, कभी कुर्म, कभी किस किस रूप में, जो जिस रूप में उपासना करते हैं उनको उसी उसी रूप में दर्शन देते हैं। उस समय साक्षात सारे ऐश्वर्य का प्रकाश करने वाले और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इन्होंने अपना चरण को आगे बढ़ा दिया। जब अपना चरण को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, सब भक्त लोग थे, हर समय तो महाप्रभु कभी दास रूप में, कभी दास भाव में आते हैं,
जब महाप्रभु कभी अपना दास भाव में आते हैं ना, क्या करते हैं, सबका चरण धुल लेना चाहते हैं, और भक्त लोग को ही देना नहीं चाहते, भक्त लोग को ही देना नहीं चाहते, भगवान को कौन अपना चरण धुल देगा है, इसलिए सब लोग भागते हैं वहां पर। लेकिन लेकिन जब महाप्रभु अपना स्वभाव में आ जाते हैं उस समय में स्वयं भगवान का स्वरूप, इसलिए उस समय महाप्रभु ने अपना चरण बढ़ा दिया और भक्त लोग ने क्या किया, सबके सब महाप्रभु का चरण, सब समय तो मिलता नहीं, सबके सब महाप्रभु का चरण को पास, महाप्रभु का चरण को एकदम धो करके रगड़ करके महाप्रभु के चरण में सबके सब प्रणाम करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य भी महाप्रभु का चरण को उन्होंने क्या किया, अच्छे तरह से धो धाक रहे महाप्रभु, सब समय तो मिलता नहीं है, अच्छे तरह से धो धाक करके ना महाप्रभु का चरण तो खूब लुटे, खूब प्रेम भर कर खाए, क्यों हर समय नहीं मिलता। और महाप्रभु अद्वैत आचार्य को सहज में चरण धूलि नहीं देते, क्यों नहीं देते, कारण क्या, बोले अद्वैत आचार्य शिष्य किसके हैं, किसके शिष्य हैं, माधवेंद्रपुरी के, माधवेंद्रपुरी के शिष्य। कहते माधवेंद्रपुरी कौन है, कहते महाप्रभु का जो गुरु कौन, श्री ईश्वरपुरीपाद, उनका गुरु कौन है, श्री माधवेंद्रपुरी है, माधवेंद्रपुरी। उसी दृष्टिकोण से अद्वैत आचार्य कौन लगे, इनका गुरु वर्ग, अद्वैत आचार्य इनका गुरु वर्ग, क्यों, ईश्वरपुरी का गुरु भाई, इनका गुरु वर्ग लगते हैं। अगर कोई गुरु वर्ग कोई चरण धूलि ले, फिर वो कभी महाप्रभु कभी खुश होएंगे, क्योंकि उन्होंने मर्यादा ना, एक मर्यादा, हर समय मर्यादा लंघन प्रभु सही से ना पा रहे, महाप्रभु हर समय जो बड़े हैं उनको हर समय महाप्रभु यथा योग्य सम्मान देते हैं, शिक्षा देते हैं। वैष्णव जगत में जूनियर सीनियर है, जो सीनियर है हर समय उनको प्रणाम करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान देनी चाहिए। महाप्रभु इसी दृष्टिकोण से अद्वैत आचार्य को हर समय वो सम्मान देते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य ने क्या किया, अच्छे तरह से उसको सुजोग जो मिला, हर समय तो सुजोग मिलता नहीं है, सुजोग नहीं मिलता, सुजोग मिला तो अच्छे तरह से धो धा करके महाप्रभु का चरण को खूब चरणामृत पाए, खूब चरणामृत पाए, जो चरणामृत पाए, इतने में महाप्रभु है बोले अचिंत गौरव तत्व बुझाना ना जाए, इसलिए महाप्रभु का जो तत्व अचिंत है उनको समझना बड़ा कठिन है। अद्वैत करे निरंतर है गुरु बुद्धि, अद्वैत करे निरंतर, अद्वैत आचार्य जी हर समय ये गुरु बुद्धि करते हैं, ये तो अद्वैत दुख पाए बहुत, इसलिए अद्वैत आचार्य उनको गुरु बुद्धि करते, इसलिए अद्वैत आचार्य दुखी है। कारण क्या, बोले उनको पता है चैतन्य महाप्रभु है कौन, ये चैतन्य महाप्रभु मेरे प्रभु है, मैं तो उनका सेवक है, मैं उनका दास है, लेकिन अगर प्रभु, अगर मेरे का कर्तव्य उनकी सेवा करना, अगर मेरे प्रभु अपना को हैं, अगर मेरे को गुरु बुद्धि करे हैं, ये कितना दुर्भाग्य का विषय है, इसलिए दुखी होते थे। इसलिए एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब है, तब एक दिन महाप्रभु मूर्छित भी हो गए थे, कृष्ण प्रेम में मूर्छित हो, उसी समय पे तो लिया, कभी उन्होंने मूर्छित भी हो गए थे, और महाप्रभु प्रेम में मूर्छित होने पर सारे भक्त चरण धुल लिए, इन्होंने भी खूब रगड़ करके अपना सर को खूब रगड़े चरण में है, खूब रगड़े, भगवान की चरण है, साधारण बात है, ठाकुर का चरण मिला, इसलिए कहते ना, जब ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत दिप्य स्तुनई वेद सांग क्रम पवन सति गायति जत सामगा ध्यान अवस्थी तत गति न पसंत जत जोगी नाम, उसके बाद में तस्मै देवाय नमः। इसलिए जिनकी चरण को ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गाय भगवत है, जिनकी चरण को सारे देवा देवी है, जो यद्यपि समाधि से विधिर पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, ब्रह्मा जैसे जिनकी चरण की छटा तक भी को भी ध्यान नहीं कर पाते, ऐसे श्री जगन्नाथ, ऐसे श्री सचिनंदन गौर है, हैं, इसलिए भक्त लोग जब मूर्छित हो गए खूब लूटपाट करके लिए अद्वैत तत्व, विशेष करके अद्वैत आचार्य लिए हैं, विशेष करके अद्वैत आचार्य किम नहीं मिलता है। लेकिन महाप्रभु जो मूर्छा भंग हुआ ना, मूर्छा भंग होने पर एक दिन महाप्रभु बड़े दुखी हो गए हैं, बड़े दुखी हो गए, बोले क्यों दुखी हो गए, बोले आज मेरे मन में क्यों आनंद नहीं आता है, मन प्रसन्न नहीं, हृदय सूखा है, आनंद नहीं आ रहा है, लगता है भैया किसी के चरण में मेरे अपराध हो गया, किसी के चरण में मेरे अपराध हो गया है। इसलिए महाप्रभु ने कहा, देखो
सच सच बोल दो, कोई झूठ मत कहा कर, मतलब कोई झूठ मत कहा कर, सच सच बोल दो। अगर सच सच बोल देंगे ना, मैं अपराध माफ कर दूंगा। जब मैं प्रेम में मूर्छा हो गया तो कौन कौन चरण धुल लिया बोला बोले प्रेम में जब मैं मूर्छा हो गया कौन कौन चरण धुल लिया, सही सही बताओ। अगर सही सही बोलोगे तो मैं माफ कर दूंगा। अभी सब भक्त लोगों ने देखा अद्वैत आचार्य जी लिया, उनको गुरु बुद्धि करते थे, लेकिन अद्वैत आचार्य जी का अपना प्रभाव है। जो भक्त लोग थे ना, डर से कोई भी बोलना नहीं चाह रहे हैं, बोले अद्वैत आचार्य का नाम कैसे ले, ये पुराने है ना, पुराने इसलिए इनका नाम कैसे ले, इसलिए इधर उधर जहां करे, लेकिन कोई डर से महाप्रभु को कोई नहीं बोल रहे डर से। इतने में अद्वैत आचार्य ने कहा, प्रभु मैं सच सच बता रहा हूं, अगर चोर को अगर सामने नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा ही, जो चोर है अगर सामने कोई चीज को चोरी नहीं कर, फिर छुप कर लेकर चोरी करेगा ही। इसलिए आप तो मेरे को गुरु बुद्धि करते हो, लेकिन आप तो मेरे प्रभु, आप तो मेरे प्रभु, आप तो हर समय मेरे चरण धूल ले लेते हो, सम्मान करते हो। अगर चोरी को अगर सामने नहीं मिलेगा, छुपा करके तो चोरी करेगा, इसलिए प्रभु मैंने आपका चरण धूल लिया है। अगर कोई अपराध हो तो मेरे को माफ कर दो, है अपराध हो तो मेरे को माफ कर दो। जब उन्होंने इतना बोले, इतने में हैं, इतने महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बोले प्रभु क्रोध है अद्वैत तत्व प्रकाश है। महाप्रभु क्रोधित होकर अद्वैत आचार्य जी को तत्व प्रकाश कर रहे हैं। क्या तत्व है, बोले सारा संसार संहार तुम्हें करता है, कहते सारा दुनिया को संहार करते कि सदाशिव है। शंकर जी रुद्र रूप में क्या करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी क्या करते हैं, दुनिया की संहार करते हैं। बोले सारा दुनिया को तुम संहार करते हो, हैं? दुनिया को तो संहार करते हो और फिर तुम मेरे को भी संहार किया तुमने सारा दुनिया को संहार करते हो और तुमने दुनिया को संहार करके तेरे को तभी खुश नहीं हुए, तभी तुम प्रसन्न, तुम मेरे को मेरा भी तुमने संहार कर दिया, है मेरे को भी तुमने संहार किया। संहार किया मतलब क्या, यहाँ पर कह रहे हैं, कहते ये यहाँ पर कह रहे हैं, कहते जो भक्ति जगत में है, भक्ति जगत में कहते जो अपराध है ये संहार है। इसलिए कहते ना, अगर भक्ति जगत में अगर कोई जैसे पाप हो जाए, जिस जगह माता जी का पाप था, महाप्रभु उनको क्षमा कर दिया, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं होने का तो प्रेम दिया। इसलिए कहते भक्ति जगत में रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर हमारे कोई पाप हो जाए, है कोई पाप हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये सावधान होनी चाहिए किसी वैष्णव चरण में कोई हमारे अपराध नहीं हो जाए। इसलिए बंद हुई सावधान बते है, इसलिए कहते नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतराजन विश्वास जाए। इसलिए यहाँ कहते हैं भक्ति जगत में अगर भक्ति नहीं रही तो क्या हुआ, संहार है। अगर भक्ति नहीं रही तो जीवन बेकार है, भक्ति वगैरह जीवन बेकार है। इसलिए और भक्ति केवल वैष्णव का कृपा, भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है। अगर मेरे अपराध अगर किसी वैष्णव के चरण में हो गया, बस गया, भक्ति जगत से गया, चिरकाल के लिए गया। कहते जैसे मतवाला हाथी जैसे जड़ समेत उखाड़ देते हैं, ऐसे ही जब किसी वैष्णव चरण में अपराध होती है, हृदय सूख जाती है, हरि नाम भजन में मन नहीं लगेगा, है उदासीन। इसलिए बोले सारा दुनिया को तू संहार किया तभी तू प्रसन्न नहीं हुआ और तुमने मेरे को भी तुमने संहार किया, है भक्ति जो तुम्हारे दिए थे रुद्र सन चोरी महा टाका तुम्हें प्रेम धनु चुनाम की पर। हाँ इसलिए इतने में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कहते मैंने है, कहते अद्वैत आचार्य सदाशिव, सदाशिव होने का नाते वैष्णव है। वैष्णव लोग क्या करते हैं, वैष्णव का कृपा से ही दूसरों को भक्ति मिलता है। कहते विश्व ब्रह्मांड को भक्ति तुम देते हो, प्रेम देते हो, और तुमने चोरी किया तो कहाँ पर चोरी किया, खुद्र स्थान पर। मैं इतना छोटा महाप्रभु खुद को कह रहे हैं, कहते तुमको और कोई नहीं मिला चोरी करने के लिए, तुम मेरे पास में चोरी किया लास्ट में, है ये खुद्र स्थान में तुमने चोरी किया, मेरे पास में चोरी किया। अरे मेरे को क्या समझते हो, महाप्रभु का भी गुस्सा आ गया है, महाप्रभु का भी गुस्सा आ गया। गुस्से बोले अभी तेरे को दिखाता, बोले चोरे ऊपर चोरी करी आ छिया में, बोले चोर का भी चोर मैं हूँ, कृष्ण सबसे बड़े चोर है, सबसे प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाच दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग ग्रहण पुरुष। कर चोर का सबसे बड़ा सरदार मैं हूँ, अरे मेरे उम्र तुम्हें चोरी किया है, सबसे बड़ा डाकू मैं हूँ, डाकू में सरदार मैं हूँ, अरे मेरे पास में चोरी किया,
मेरे क्या चोरी करना नहीं आता है, अभी तेरे को दिखाता हूँ। एकदम महाप्रभु ने क्या किया, पकड़ लिया अद्वैत आचार्य जी को, और महाप्रभु हट्टे कट्टे एकदम जवान है महाप्रभु, है एकदम हट्टे कट्टे का। और अद्वैत आचार्य जो उम्र वाले है, महाप्रभु को सामने कहा, जगन्नाथ जी को सामने कौन उनको जीत सकता, जगन्नाथ जी को पकड़ लिया अद्वैत आचार्य जी को, पकड़ करके ना उन्होंने एकदम पकड़ लिया और उनका चरण में अपना सर को खूब रगड़े उनके चरण में अपना सर को खूब रगड़े महाप्रभु ने, रगड़ रगड़ करके है। यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर एक बड़ी सुंदर उदाहरण दिया, बोले महाबली गौरव सिंह अद्वैत नापारे, महाबली गौरव सिंह अद्वैत नापारे, अद्वैत चरण प्रभु घिसे निज सिरे, हैं अपना सर को घिस रहे हैं। यहाँ पर एक कहते हैं, चोर है ना रोज चोरी करता है, लेकिन गृहस्थ का एक दिन, और चोर का सब दिन, और गृहस्थ का कहते ना गृहस्थ का एक दिन, रोज चोरी करता है चोर चोरी करता है, और जिस दिन गृहस्थ को मिलता है ना, पकड़ लिया सारे निकाल लेता है, सब निकाल देता है, बोले रोज तुम चोरी करते हो, आज मैं है आज मैं छोड़ने वाला नहीं, आज पकड़ लिया तुमको, खूब रगड़े। जब रगड़े इतने में अद्वैत आचार्य तो है, इसलिए अद्वैत आचार्य और क्या करेंगे, इतने में अद्वैत आचार्य कहते हैं, बोले प्रभु आप सही बताया, ये मन प्राण सब में तुम्हारी है, इसलिए विश्वंभर बोले तुम्हें भक्ति रो भंडारी, इतने को तुम्हारे चरण सेवा करी, कहते तुम कौन हो अद्वैत आचार्य, महाप्रभु कह रहे विश्वंभर बोले तुम्हें भक्ति रो भंडारी, भक्ति का भंडारी तुम हो, क्योंकि जो शंकर जी जो सदाशिव है, हाँ सदाशिव है, कहते शंकर जी के कृपा के बगैर है, बोले आराधना नाम सर्वेशान विष्णु आराधना परम है। ये शंकर जी पार्वती जब प्रश्न किया, बोले प्रभु किसकी उपासना करनी चाहिए, शंकर जी कहते पार्वती जितने सारे आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु का। भैया पार्वती तो दुखी हो गई, बोले जगत में अगर विष्णु का आराधना पर तो मेरा जीवन तो बेकार हो गया, क्योंकि मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी सेवा किया सेवा तो मैंने शंकर जी की है, तुम्हारी सेवा की, आप कह रहे हो आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम सर्वश्रेष्ठ आराधना विष्णु, अब मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की तो मेरा जीवन बेकार हो गया। फिर शंकर जी का दुखी मत हो, तस्मात परम धर्म देवी तदिया नाम समर्चन, उनसे भी श्रेष्ठ सेवा है तदिया, जो भक्त का जो सेवा उनसे सेवा, पार्वती को तसल्ली है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होना तब तक भगवत भक्ति, शंकर जी आदि गुरु है, शंकर जी विष्णु स्वामी संप्रदाय में कौन वहाँ का प्रवर्तक कौन है, रुद्रदेव, रुद्र स्वयं चार संप्रदाय ना, श्री ब्रह्म रुद्र सनक चार वैष्णव संप्रदाय है, उसमें एक संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जिसमें श्री विष्णु स्वामी, जिसमें आचार्य विष्णु स्वामी आचार्य है, जिसमें से बल्लभ कुली है, उस संप्रदाय में शंकर जी स्वयं कि भागवत सर्वप्रथम कौन किसको सुनाया, भागवत का वक्ता कौन है, शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में सबसे पहले ये रामायण सुनाया। जितने पुराण किसकी संवाद है, शंकर पार्वती का संवाद है, शंकर जी बोल रहे हैं और माता पार्वती बैठ करके, माता पार्वती श्रवण कर रही है, माता पार्वती। इसलिए रामायण किसने सबसे पहले, किसने रामायण रचना की, गोस्वामी जी कहते हैं मैं ये रामायण को मैं नहीं लिख रहा हूँ, शंकर जी सबसे पहले ये रामायण को रचना करके अपना हृदय में उन्होंने रखी, इसलिए इसका मूल कर्ता स्वयं शंकर जी हैं, शंकर जी। इसलिए शंकर जी भगवान की अत्यंत अत्यंत प्रिय श्री भोले बाबा, इसलिए सारे का प्रवर्तक श्री शंकर जी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, बोले विश्वंभर बोले तुम्हें भक्ति रो भंडारी, तुम कौन हो, बोले भक्ति का भंडारी तुम हो, इतने का तुम्हारे चरण सेवा करी, इसलिए क्यों मैंने तुम्हारी चरण को सर रगड़ा, कारण ये है भक्ति का भंडारी तुम हो, अगर तुम्हारी कृपा हो ना। इसलिए शंकर जी हैं, बहुत सारे भक्त हुए हैं हाँ, जो कि शंकर जी की कृपा से ही भगवत भक्ति को उन्होंने प्राप्त किया, बहुत सारे भक्त हुए शंकर जी भोले बाबा जिसको बड़ी कृपा की ना,
शंकर जी अगर सही सही शंकर जी किसको कृपा करते हैं, शंकर जी क्या करते हैं, लास्ट में उन्होंने लेकर के भगवान को पास में, राम और कृष्ण को पास में, शंकर जी उनको पास में लेकर पहुंचा देते हैं। हमारे गांव में शंकर जी का ही मंदिर था, हम जाकर शंकर जी का सर्वे पाए, सोमवार को जाकर पानी डालते थे। हमारे गांव में एक नारायणी देवी भी थी, हमारे गांव में नारायणी है, वो नारायणी देवी, इसलिए एक पार्वती का भी मंदिर थी, इसलिए गांव गांव में देखना ये सब चीज है। इसलिए अगर हम लोग ने किसी ना किसी रूप में अगर शंकर पार्वती को कभी पूजा की है, अगर शंकर जी कभी कृपा करते हैं, सही सही कृपा करते हैं, वो कहाँ पर पहुंचा देते हैं, लेकर के भगवान को चरण में। कहते हमारे जो नरसिंह भगत, नरसिंह भगत ये शंकर जी के पक्के सेवक थे, जो नरसिंह भगत है ना भगवान, जिनकी साथी में भात भरने के लिए ठाकुर जी गए स्वयं है नरसिंह भगत, उन्होंने ऐसे कृपा की जब उनकी बेटी की शादी हुई है, उन्होंने बोले इतना पैसा चाहिए तब हम ग्रहण करेंगे हमारी बेटी की बेटी, नहीं तो नहीं। उन्होंने ऐसे पर्चा लिखा है ना, ऐसे पर्चा लिखा असंभव है, लेकिन भगवान की कृपा हुई ना, ठाकुर जी स्वयं गए बेटी की बेटी को शादी देने के लिए नरसिंह भगत को। क्या सोने चांदी की बरसात हुई है, सोने की ईट बरसात हुई, सोने चांदी के आकाश से कोई स्वयं भगवान ठाकुर जी गए थे, लक्ष्मी कृपा क्या शादी उन्होंने करवाए, सोने हीरा जवाहरात की बरसात हो गई। इसलिए कहते हैं नरसिंह भगत पहले था शंकर जी की पका सेवक। एक दिन शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले बरम ब्रूहि तृप्तम अस्मि, इसलिए बरम आगम में प्रसन्न हो। कल हे प्रभु अगर आप देना चाहते हो, आपका जो सबसे प्रिय वस्तु आप हमें दो, आपका सबसे प्रिय वस्तु हमें दो। जब उन्होंने बोले शंकर जी बोले मेरे प्रिय वस्तु तो कन्हैया है, मेरे प्रिय वस्तु कृष्ण ही मेरे प्रिय है, ठीक है मैं तुम्हारे पर संतुष्ट हूँ, मैं तुमको कृष्ण भक्ति प्रदान करता हूँ, है कृष्ण भक्ति। इसलिए भागवत में शंकर स्वयं कहते हैं, कहते मेरे जो भक्त मेरा प्रिय नहीं है, शंकर जी कहते मेरे भक्त मेरे प्रिय नहीं है, मेरे कौन है प्रिय, बोले मेरे भगवान की जो भक्त है, जो कृष्ण का भक्त वो मेरे प्रिय है। शंकर जी की ये बात क्यों कहते मेरे भक्त मेरे प्रिय नहीं, अक्सर करके ये शंकर जी के जो भक्त है उनको जो रुद्र रूप को उपासना करते थे ना, गंजा पीते रहते दिन भर है, तामसी की वस्तु को खाने, गंजा भांग पीने वाले, बड़े क्रोधी त्रिशूल पकड़ करके लाल कपड़े, बड़े क्रोधी होती क्योंकि रुद्र रूप को उपासना करते हैं, हैं? लेकिन जो सदा से भी स्वरूप को उपासना करते हैं उनको भगवान की भक्ति, शंकर जी भगवान की भक्ति उन्हें प्रदान करते हैं। इसलिए वही शंकर ही जब उन्होंने देखा ये शंकर स्वरूप से प्रभु राम की मैं सेवा नहीं कर सकता, गोस्वामी जी कहते हैं रुद्र देहत जी नेह बस बानर भय हनुमान, जब देखा ये रुद्र शरीर से हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के स्वयं शंकर जी हनुमान बन करके आए और प्रभु की चरण की उन्होंने सेवकाई की, ठाकुर जी के चरण की उन्होंने भजन की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते तुमको मैंने भक्ति का भंडार, हनुमान की कृपा नहीं होगा तो राम भक्ति नहीं मिलेगी, शंकर जी कृपा नहीं तो उनको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए भक्ति का भंडार तुम बनाया, एतको तुम्हारे चरण से चोरी, इसलिए मैंने तुम्हारी जो चरण तुल लिया है कारण भक्ति का तुम भंडारी हो, इसलिए प्रेम है क्योंकि तुम्हारी चरण धूली लगाने पर, कहते ना भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष तीन यही साधन रेबल। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं एक तो भक्तों का चरण धूली, चरणामृत और अधरावृत, ये तीन चीज जितने जल्दी प्रभु का प्रेम देने वाले जगत में और कोई वस्तु नहीं इतना जल्दी प्रेम को दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसलिए तुम्हारा बिना कह पाए ना, इसलिए जब तक तुम कृपा नहीं करते अद्वैत आचार्य, इसलिए कहते ना दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई। इसलिए कहते उनकी कृपा से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मिलते हैं। यहाँ कहते हैं जत्था बेचो तथाई बिकाई, तुम्ही आमा जत्था बेचो तथाई बिकाई, तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं अद्वैत आचार्य जी के लिए, बोले तुम मेरे को जहाँ बेच देते हो ना मैं वहीं पर बिक जाता हूँ,
जहां तुम मेरे को बेच देते हो वहीं पर मैं बिक जाता हूँ, वहीं पर कितना बड़ी बात है, हैं अद्वैत आचार्य के लिए। इसलिए जब श्री जितने महाप्रभु का परिकर थे, जब उन्होंने देखा अद्वैत आचार्य को, महाप्रभु इतने सम्मान, इतने प्रेम, इतने सम्मान देखते हैं, जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना, इसको देख कर प्रसन्न हो गए, सबके सब जयकार दिए। बोले श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय
Gaura Hari, Kaparada Jaya Gaura Hari. Jai Gaur Bhaktavinoda Jai Gaur Premanande Jai